नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान, क्योंकि यह समय आपकी हंसती खेलती जिंदगी पर बुरी नज़र लगने वाली है। दोस्तों यूँ के हैं तो आपको नीचे गिराने की आपके दुश्मन बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगले 24 घंटे आप लोग बेहद ही सावधान और सतर्क रहिएगा, अन्यथा पल भर में सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगले 24 घंटे आप लोग बेहद ही सावधानी के साथ कदम आगे की ओर बढ़ाएं तो आपके लिए ही बेहतर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित, जिसमें हम बात करेंगे 17 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों कि आज के दिन आपके ग्रहों की स्थितियां कैसे रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे, इन सभी का सिर्फ आपके राशिफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। दोस्तों आज का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आज आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो आपके जीवन काल में इसमें क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव भी होने वाले हैं। दोस्तों आज के दिन आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानियाँ रखनी होगी और कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यह समय आप लोगों को किन चीज़ों से बचना होगा और किन चीज़ों से सतर्क भी रहना होगा। और दोस्तों साथ ही यह समय आपका प्रेम संबंध राशिफल कैसे रहेगा, स्वास्थ्य व कल्याण राशिफल कैसे रहेगा, आर्थिक राशिफल कैसे रहेगा और दोस्तों बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा और करियर धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी। दोस्तों घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसे रहेगा। दोस्तों साथ ही बात करेंगे इस दिन का आपका शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिशा कौन से रहने वाली है। दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विस्तारपूर्वक से हम बताएंगे, तो आप सभी से बस मेरा छोटा सा अनुरोध है और निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। दोस्तों आप लोग इस उपाय को अगले 24 घंटे आने की शनिवार के दिन इस उपाय को आप लोग कर लेंगे। दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिनके सारी के सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान संदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को समय समय तक पहुँच सके। तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इस दिन की पंचांग। दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन है। दोस्तों शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का पावन रहने वाला है। दोस्तों आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और दोस्तों मृग शीर्षा नामक नक्षत्र का निर्माण होने जा रहा है। और दोस्तों सूर्योग रहने वाला आपका सिद्धि योग। और दोस्तों राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद ही अशुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 9:19 से लेकर सुबह 10:50 रहेगा। दोस्तों यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही बुरी से ना करें, अन्यथा आपके शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न एवं बाधाएं भी पड़ सकती है। और दोस्तों अब जो मेरे समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद ही शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:45 रहेगा। दोस्तों यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रह्म राशि की बात करें दोस्तों सुबह 4:41 से लेकर सुबह 5:29 रहेगा। और दोस्तों सूर्य सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा और दोस्तों चंद्रमा वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा। तो दोस्तों समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि फल पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आइए पूरी की पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से यह जानकारियां मिल रही कि आने वाले अगले 24 घंटे आने के दिनांक 17 सितंबर 2022 का जो दिन रहेगा आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही लाभकारी दिन साबित होगा, क्योंकि दोस्तों आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप यह मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, क्योंकि दोस्तों आज आपको वो सारे फल की प्राप्ति होने वाली हैं जो आप पूर्व में किए हुए थे। दोस्तों आप दूसरों की तकलीफ भी समझते हैं और आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता भी नोट करेंगे और कोई आपसे मदद भी आज मांगेंगे और प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा भी आप आज कर सकते हैं।
और दोस्तों आज आपके घर पर पवित्रता का वातावरण बनाने का और चिंताएं भी नहीं रहेंगी। इसलिए अपने परिवार के साथ आप रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराश से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकालना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है और आपके भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद भी करेगी। और दोस्तों आज बैंक से जुड़े लेन देन में आपको काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव भी कराएंगे और जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके आज आपके पास आएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। आपके लिए आज बहुत सक्रिय और लोगों से मेल जोल भरा दिन रहेगा। लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उससे बिना सोचे मान लेंगे और आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार साबित होंगी और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित भी आज रह सकते हैं। और दोस्तों प्रेम और संबंध राशिफल की दृष्टि में देखें, दोस्तों आज ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसे बन रही है कि आपको काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा तो नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे पा रहे हैं। आप उनके बारे में सोचते हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर सकें तो यह आपके लिए ज़िंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। और दोस्तों करियर और धन राशि फल की दृष्टि में देखिए, दोस्तों आज आप क्षमावान रहेंगे और उन्हें भी माफ़ करेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वे आपके सहकर्मी हो या फिर जिन्होंने जलन की वजह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश या फिर आपका क्रूर मालिक जिसके कभी आपकी बात नहीं सुनी और हमेशा से आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। आपकी वित्तीय स्थिति उच्च रहेगी, हालांकि आपको लाभ के लिए आज जोखिम उठाने भी पड़ सकते हैं। और दोस्तों बिजनेस और व्यापार की दृष्टि में देखें, दोस्तों ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आज व्यापार में अधिक खर्चों के हावी रहने की स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों आज आप पर व्यापार में अधिक देनदारी का बोझ भी दिखेगा और बिक्री ठीक ठाक होती देखेगी, परंतु अधिक देनदारी के चलते पैसा हाथ में रुकता हुआ नहीं देखेगा। और आज भूमि संबंधित के सौदे को लेकर चर्चा भी हो सकती है, परंतु सतर्कता बढ़ते और नौकरी पेशेवरों में कर्मचारियों के काम के प्रति आलस दिखेगा और फिलहाल आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती हुई देखेंगी। और आपको सलाह है कि आज कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। और दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि में देखें, दोस्तों आज छाती पर कफ जमा होने से खांसी की समस्याएं बढ़ती हुई देखी जा सकती है और मौसम बदल रहा है, इसलिए ठंडे पदार्थ का सेवन ही ना करें तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और दोस्तों घर परिवार के माहौल में देखें, दोस्तों आज परिवार में पति पत्नी के मध्य संबंध में नज़दीकी देखेगी, लेकिन कुछ शिकवे और शिकायत भी रहेंगी और आज अनजान लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सलाह है कि किसी की बातों में ना जाएं और घर परिवार में अच्छा खासा माहौल रहने वाला है। और दोस्तों आज विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। दोस्तों आज विद्यार्थियों को कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है या फिर जो कार्य आपके सालों से अटके पड़े थे, दोस्तों वह कार्य समय संपन्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आने वाले अगले 24 घंटे आने के शनिवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी जो उनकी सारी की सारी परेशानियां हमेशा दूर हो जाएंगी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को दोनों हाथ से छुएं और इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और साथ ही ओम सत शनिचरे नमः मंत्र का जाप करें और शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों इससे घर में धन यश और वैभव की कभी कमी नहीं होती है और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बने रहेगी और आपकी जो उनकी सारी की सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें, दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों इस दिन का आपका शुभ अंक रहने वाला है 2 और शुभ रंग रहने वाला आपका भूरा रंग और शुभ दिशा रहने वाला आपका उत्तर दिशा।